Hello everyone, welcome to Mission Ayurveda. Today we are conducting a demo class of Roshna Shari for BMS first year students. For that, Dr. Mukta, Mukta Katoch Arora will be taking your class for today. And uh, I want to tell you that Dr. Mukta is currently working as General Manager of Katoj Holistic Health Care, KHSC, in New Delhi. And she has done her graduation from uh, SDM College in Karnataka and post-graduation from CFX New Delhi. Along with she's a great writer, artist, dancer, sports enthusiast and also she's a seeker of Vedic knowledge and wisdom. Also she has done specialization in sports, sports medicine and lifestyle. As I am very familiar with Dr. Mukta, she was the most dynamic personality of our Amdi batch. I want to say that. And uh, you will be undoubtedly gain a wealth of wisdom and knowledge from her. As she is very guiding, motivating, and inspirational in nature, and uh, let's extend a warm welcome to Dr. Mukta Kethosheruva. Welcome to Mission Ayurveda. Thank you for joining us, dear. Please guide our aspiring vedyas for this subject, as they are very new to this field, so they really need your humble guidance. Over to you, dear. Welcome. Thank you so much. Thank you, Dr. Alisha. You <laughs> But uh, I think uh, we have a few students right now. I'll wait we can wait for a few more to join in, but I will still just start with the introduction because I think this video will be available. So good afternoon to all the students who, who are here online. I'm Dr. Mukta as I've been already introduced by Dr. Alicia. And I hope my uh, sound is clear if one of the students can just say it's clear, right? Okay. So, सिलेबस बिगिन करने से सबसे पहले जो है जो मैं स्टूडेंट्स को सब बी एम एस स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ओके आई थिंक डॉक्टर अलीशा इज ऑलरेडी शेयर ऑन योर ग्रुप योर सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ग्रेजुएशन एग्जाम्स ओके एंड यू आर स्टार्टिंग फॉर योर ग्रेजुएशन बिकॉज आयुर्वेद में क्या होता है कई चीजें बहुत इधर उधर लिखी होती हैं एंड एक सीक्वेंस में कई बार नहीं होती बिकॉज़ वे आयुर्वेदा लिखी गई है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है ओके दे फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न वो एक क्वेश्चन होता है एंड देन उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स होते हैं वो उस सीक्वेंस में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आप अपनी बुक में देखेंगे यू विल नॉट फाइंड दैट उटी नॉट अउट कॉपी अपने पूरे रचना शारीर के एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट है दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट आपके पास एक प्रिंट आउट कॉपी अपने सिलेबस की होनी चाहिए दिस इज हाउ आई स्टडी एंड ऑल माई जितने भी मेरे जो है प्रोफेशनल uh, इतना uh, मैंने बहुत अच्छे आई स्कोर डिस्टिंक्शन इन ऑल इयर्स नॉट ब्रैगिंग बट ये बताने के लिए कि एक सिस्टम होता है पढ़ाई करने का तो उस सिस्टम से आप पढ़ेंगे तो इट विल 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 बी बेनिफिशियल फॉर यू यू सो हैव सिलेबस आई विलेबसो शेयर इसका जो पीडीएफ है आप लोगों के पास सो so, आपके जो भी सिलेबस पॉइंट आप कवर करते हैं इवन द स्मॉलेस्ट पॉइंट जैसे आप अगर इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो इसमें द फर्स्ट टॉपिक इज शरीर उपक्रम शरीर ओके okay? तो इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज शरीर व्याख्या ंग so शरीर व्याख्या आपने शरीर व्याख्या को पढ़ लिया इट ओके एंड यू मेक नोट डोंट रिलाई ऑन टू यू टीचर्सिंग जब आपको टीचर नोट देता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देता है बट अगर आपने उसको बेटर समझना है और उसको एग्जाम में बेटर लिखना है डिवेलप अ हैबिट कि आप जो भी यहाँ क्लास में सुन रहे हैं उसके नोट्स बनाए जो भी हम श्लोक आपको देते हैं जैसे मैं आपको जो है आप स्लाइड्स में यू विल सी आर फ्यू इन द स्लाइड तो श्लोक को वैसे ही कॉपी नहीं कर लेना है श्लोक का रेफरेंस भी वैसे ही कॉपी नहीं करना है गो बैक टू दरिजिनल संहिता ऑलवेज चाहे वो चरक संहिता है सुश्रुत संहिता है अष्टांग हृदय है जो भी संहिता है या और कहीं से भी हमने कोई उपनिषद है कहीं से रेफरेंस लिया है ट्राई टू ऑलवेज गो बैक टू दैट संहिता एटलीस्ट जो आपकी बृहत रही है गो बैक टू दैम सी की रेफरेंस सही है कि नहीं कई बार जो बुक्स में रेफरेंस होता है या जो टीचर रेफरेंस दे रहा है जो आप श्लोक में पढ़ रहे हैं वो जो है वर्ड uh, जो है वो थोड़े इधर उधर कोई टाइपिंग एरर हो सकता है सो ऑलवेज गो बैक टू द श्लोका रेफर द श्लोका फ्रॉम दरिजिनल टेक्स्ट एंड देन स्टडी एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू दिलेबस पॉइंट दैट विल हेल्प यू स्टडी बेटर और आप एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे दिस इज अमल ह्यूमन साइकोलॉजी हमें जो चीज अच्छी आती है ना हम उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं सो द बेस्ट थिंग टू डू इज सिलेबस के साथ साथ पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स कवर होंगे सो द मेन एम वेन वी आर राइटिंग यूजी जब हम फाइनल देने जाते हैं अब जैसे हम जिस कॉलेज में से पढ़े हैं वहां पर तो रेगुलर एग्जाम्स होते थे बट अनफॉर्चुनेटली देर ऑल्सो सम कॉलेजेस जहां पर रेगुलर एग्जाम नहीं होते हैं और आप एकदम से बस फाइनल्स देने जाते हैं ड फॉर द एग्जाम तो उस केस में जो है आपको ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से ठीक है क्योंकि आपने जो है आपने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं ये सारे पढ़ लेता हूँ टीचर ने ये बताया था बट क्वेश्चन कहीं ऐसा आ गया जो आपको समझ ही नहीं आई ऐसा क्यों होता है बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है दैट इज वॉट हम अभी डेमो क्लास में इंट्रो क्लास में जो है उसको करेंगे सो so, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं एटलीस्ट गो थ्रू देम एक बार आप उसकी रीडिंग करेंगे कुछ भी समझ आएगा पेपर में सपोज ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको उसकी डिटेलिंग नहीं पता बट एटलीस्ट इफ यू हैव सीन इट अगर आपकी वो नजर के सामने से एक बार बुक में से निकला है तो आप उसमें कुछ तो लिख पाएंगे ओके रेस्ट इज अप टू योर अंडरस्टैंडिंग आप कहां से जोड़ सकते हैं सो so, स्कूल में जब हम पढ़ते हैं लॉट ऑफ इट इज रोट मेमोरी कि आपने जो याद किया उसको आपने उल्टी कर दी थी एग्जाम में बट मेडिसिन अब आप यू हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर यू आर नाउ अ ग्रोना आप जो है मेडिसिन पढ़ रहे हैं और अब आपको लेवल अप करना है अपनी एजुकेशन को भी और किस तरह से आप पेपर लिखते हैं उसको भी ओके okay? सो so उसको लेवल अप करने के लिए जो है इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को समझे रट्टे मत मारो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि रचना शारीर है इसमें तो रट्टे ही मारने हैं बट ऐसा नहीं है इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग यस कुछ चीजें याद करनी पड़ती है जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ओके एंड डोंट मेक इंग्लिश अ बैरियर बहुत बच्चे नॉर्थ के मैंने देखा है मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन जो है वो साउथ से की है ठीक है तो मैं नॉर्थ इंडियंस में और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थ में आके की है तो मैं ये एक कमी देखती हूँ कि मोस्टली इंडियन बच्चे जो हैं वो इंग्लिश उनके लिए बैरियर बन जाता है एंड हमारी जितनी लेट इट इंग्लिश आनी चाहिए मत आप उसका मीनिंग पढ़िए बिकॉज अनाटमी में आपको बहुत सारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी मिलेगी तो उसका आप मीनिंग समझिए वो क्यों वर्ड जो है कहां से डिराइव होके वहां यूज हुआ है अगर आपको ये पता रहेगा नेवर फोगेट इट Okay, so let's now dive into the topic for today. I'll be sharing my screen. I hope you all can see it. Can you see my screen? Uh, can one of the students just uh, message or just say that if the screen is visible to them? Yes, it is visible, Doctor Nithin.

डिस्पोजिशन फॉर्मेशन क्रिएशन प्रोडक्शन सो ये सारे टर्म्स जो है रचना के लिए यूज हो सकते हैं और शरीर क्या होता है शरीर चिंतित शारीरम स्थान उच्यतेर जो है शारीर स्थान हम प्लीज ये क्लियरली आप देखिएगा देर आर टू वर्ड्स वन इज शरीर एंड वन इज शारीर सो so, जब आप पेपर में भी पढ़ेंगे तो अगर सपोज टू मार्क्स के लिए या वन मार्क के लिए आपको जो आ जाए कि डेफिनेशन ऑफ शारीर केयरफुली पढ़िएगा शारीर में शरीर मत लिखाइएगा ओके okay? शरीर एंड शारीर वो आ की मात्रा जो है दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू शरीर शरीर मीन्स ओनली द फिजिकल बॉडी वी आर रेफरिंग टू द बॉडी बट जब हम शारीर कहते हैं शारीर जो है इट इज अंस ठीक है एक सेक्शन है या एक साइंस है एक ब्रांच है किस चीज की जिसमें शरीरम चिंतितो सर्वम दैव मानुष संपदा जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी मानुष बॉडी जो हमारी है जो पुरुषार्थ के लिए जो बॉडी है एंड दैव बॉडी दैव शरीर दैट मींस द परमात्मा और द एस्ट्रल बॉडी या फिर सटल बॉडी जो है उन दोनों के बारे में जहां पर बताया गया है सर्व इन दैव बॉडी और मानुष बॉडी इन दोनों के जितने भी भाव है वो जहां बताए गए हैं शारीरम स्थानम उच्चते उस ब्रांच को या उस सेक्शन ऑफ द संभ्यता को जो है शारीर स्थान कहते हैं सो so, अब शारीर जो है इट विल कवर टू थिंग्स ठीक है शारीर विल कवर योर क्रिया ऑल्सो इट विल कवर योर रचना ऑल्सो बट वेन वी आर रेफरिंग टू रचना वी आर रेफरिंग टू कि ये जितने कॉम्पोनेंट्स हैं ये कैसे अरेन्ज हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई बट ऑलवेज रिमेंबर जैसे मॉडर्न में एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है कि दिस इज एनेटमी एंड दिस इज फिजियोलॉजी बट थोड़ा इंटरडिपेंडेंस वो टेक्स्ट बुक्स में भी दिखाते हैं जब हम आयुर्वेद में इसको पढ़ते हैं देर इज ह्यूज इंटरडिपेंडेंस बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ अ पार्ट विदाउट अ फंक्शन सो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसके फंक्शन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है सो योर रचना एंड क्रिया ऑलवेज गो हैंड इन हैंड इसीलिए शारीर में इज वन कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन उसको अलग अलग नहीं देखा है बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग एग्जाम्स हम इसको जो है दो हेडिंग्स के को पढ़ रहे हैं एज रचना शारीर एंड क्रिया शारीर अब मैं आपकी आगे जब क्लासेस लूंगी मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगी ऑन द आयुर्वेदिक एनाटॉमी नॉट द मॉडर्न एनाटॉमी ऑल लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक एनाटॉमी में तो कुछ है नहीं आपने भी सुना होगा आपने सीनियर से सुना होगा टीचर से भी शायद सुना होगा कि आयुर्वेद एनेटमी में कुछ नहीं है श्लोक थोड़े बहुत रट लो एंड हो जाएगा बट आई आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन रचना शारीर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैं इससे टोटली करती बिकॉज आयुर्वेदिक एनाटमी जो है जो आयुर्वेद का रचना शारीर है दैट इज मच बियॉन्ड मच मच बियॉन्ड जो मॉडर्न एनाटमी है वो हम आगे जो है वेन वी कम टू द इम्पोर्टेंस देन विल सी दैट सो आई होप दिस इज क्लियर Now, coming to the importance of शारीर कि ये जो शारीरिक शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टार्टिंग अबाउट द एस्ट्रल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी ये पढ़ना क्यों जरूरी है थ्री श्लोकाज देट आर गिवन हियर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सारे याद करें सारे करें तो बहुत अच्छा है नहीं तो जितने कर सकते उतने कर लीजिए ओके okay? सो so, शरीर विचय शरीर ओपकाराथम इष्य ज्ञावा ही शरीर तत्व शरीरोपकार भाव ज्ञान उत्पद्य तस्मा शरीर विचय प्रशंसती कुशला ओके तो इसमें बताया गया है कि शरीर का जो डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना शरीर को डिवाइड करना शरीर को किसमें डिवाइड करना वेरियस पार्ट्स में जो है वो शरीर की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं आपने बहुत बच्चे होंगे जो उन्होंने अभी से डिसाइड किया होगा कि हम काय चिकित्सा में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे हम पंचकर्मा में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ओके एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन ओके प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन आप किसी बच्चे को भी अगर जो है एक किताब दे देंगे और उसे बोलेंगे कि ये बीमारी है इसमें ये दवाई देनी है इट इज नॉट डिफिकल्ट ट इज डिफिकल्ट इज डायग्नोसिस ठीक है डायग्नोसिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर डायग्नोसिस अगर आप करेंगे तभी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे और प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे अगर आपको शरीर के घटकों के बारे में पता होगा कि ये शरीर किस जगह से बना ठीक है वाद व्याधि चिकित्सा में जो है एक आता है हेतु स्थान विशेषत्वाद मतलब किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए स्थान विशेषत्वात मतलब आप जब भी किसी बीमारी को देख रहे हैं टू चीज टू थिंग्स यू हैव टू स्पेसिफिकली लुक इन टू वन इज हेतु वॉट इज द कारण वट इज द कॉज ऑफ डिजीज एंड द अदर वन इज स्थान कि वो बीमारी हो कहाँ रही है तो हो कहाँ रही है आप कैसे समझेंगे जब आपको पता होगा कि स्थान शरीर में कौन कौन से होते हैं सो so, तो इसीलिए शरीर का ज्ञान शरीर की रचना का ज्ञान और शरीर की क्रिया का ज्ञान जरूरी है बिकॉज उसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेयर इज द डिजीज सी धातु है कौन सा दोष है कौन सा बॉडी पार्ट है कौन सा स्रोतस है ठीक है उस बेसिस पे वील बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड देन वील बी एबल टू डायग्नोज द डिजीज बेटर एंड गिव बेटर ट्रीटमेंट डोंट स्टडी रचना शारीर एज अ ड्राई सब्जेक्ट ठीक है बहुत लोग बोलेंगे कि ये ड्राई है बट ऐसा नहीं है आप अगर इसको क्लिनिकली पढ़ेंगे तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट अगर आप सिर्फ इसको रट्टे मारेंगे याद करेंगे तो आपको जो है वो ड्राई ही लगेगा सबसे भारी सब्जेक्ट लगेगा बोझ वाला सब्जेक्ट लगेगा ये ठीक है तो क्लिनिकली इसको पढ़ें इसको आप पेशेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, करेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं यहां पर उस पर फोकस कीजिए नॉट ऑन बाय हार्टिंग थिंग्स ओके नाउ द नेक्स्ट श्लोका इज शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेद आयुर्वेदम सकाटस्ना वेदलोक सुखप्रदम इसका मतलब ये है कि जो वैद्य जिसको जो है शरीर की पूरी नॉलेज है वही वैद्य जो है आयुर्वेद को पूरी तरह समझता है और इस संसार में जितने भी दुख है उनका निवारण करेगा मतलब संसार में सुख को प्रदान करेगा सो so इतनी इंपॉर्टेंस जो है शारीर को सभ्यताओं में दी गई है दीन्स अंडरस्टैंडिंग दिस बॉडी माइंड सोल कॉम्प्लेक्स इज सो इंपॉर्टेंट कि इसी के बेसिस पे आप आयुर्वेद शास्त्र को समझ पाएंगे और इस संसार में सुख को प्रदान कर पाएंगे ओके नेक्स्ट कमिंग टू दर्ड श्लोका सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत लोकती संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम त्रिदंड त्रिदंड मतलब थ्री पिलर्स इस लाइफ के थ्री पिलर्स कौन से हैं सत्व आत्मा एंड शरीर सत्व मीन्स द माइंड आत्मा मीन्स द सटल बॉडी एंड शरीर मीन्स द फिजिकल बॉडी ये तीन और इंद्रिया जो है वो हमारी शरीर का ही पार्ट हो जाती है शरीर और आगे जाके एक और कॉम्पोनेंट आता है उसका पार्ट हो जाती है सो so, सत्व आत्मा एंड शरीर जो है ये तीनों दीज आर बेसिस ऑफ लाइफ ठीक है पूरा संसार जो है वो इन्हीं चीजों पे इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंडेंट है एंड हम जब रचना शरीर की बात करने दिस इज द ब्यूटी जब हम मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ते हैं हम क्या करते हैं वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट द फिजिकल बॉडी अब जाकर अभी रिसेंटली कुछ कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड मॉडर्न अनाटमी माइक इज ऑन सम्पोनेट ऑफ द माइंड आर बींग इनकॉर्पोरेटेड इन टू

आप देखेंगे आप गूगल कीजिएगा क्या होता है माइंड बॉडी मेडिसिन ठीक है बिकॉज दे आर नाउ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड की माइंड का इफेक्ट बॉडी पे होता है बॉडी का इफेक्ट माइंड पे होता है देर आर लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि साइकोसोमेटिक होते हैं okay? इनको आप तभी समझ पाएंगे अगर आप शरीर को समझते हैं आप अपने मन को समझते हैं और आप आत्मा के कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं तभी जो है आप समझ पाएंगे सो so, इसीलिए ये जो रचना शारीर है क्रिया शारीर है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसीलिए है ओके सो नाउ विल बी मूविंग अहेड आई प्रेफर टू हैव एन इंटर सेशन बट सिंस दिस इज अ डेमो क्लास

The one that undergoes a continuous process of destruction. Abhishek, you have a question? Please ask. Do you have a question, Abhishek? You can unmute yourself and ask. Okay, I think I'll move ahead. So, uh, definition of Sharir. Sh अब इसमें अगर हम मॉडर्न में देखेंगे हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं कि ये बॉडी जो है ग्रो कर रही है है ना हम लोग खाना खा रहे हैं हमारी एज बढ़ रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी ग्रो कर रही है बट यहां तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रोडिक्टी डेफिनेशन है यहां पर ये यह कह रहे हैं शीर्यते हिन्स्ती आत्मानी शरीरम दैट मीन दैट अंडरगोज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसको शरीर कहते हैं अब ऐसा क्यों कहा है उसमें एक कर्म जो है वो क्रम जो है वो बताया गया क्रम का मतलब ग्रेजुअल डी जेनरेशन का एक चार्ट इन्होंने दिया हुआ है उसमें एंड दैट डी जेनरेशन इज एन एवरी डीकेड ऑफ लाइफ ठीक है सो so ये जो टेबल है इसको आप याद करें तो बहुत अच्छा है ओके okay, बट ये इस चीज को सिग्निफाई इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों हमें ये डेफिनेशन दी गई है ऑफ कंटिन्यूअस डी जेनरेशन सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ देर इज डी जेनरेशन ऑफ बाल्य चाइल्डहुड का सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ देर इज रास ऑफ शरीर वृद्धि द ग्रोथ ऑफ द बॉडी विल स्टॉप बाय ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज ठीक है मोस्टली हम देखते हैं हाइट बढ़ना दांतों का गिरना उगना जो है वो सब यूजी ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है थर्ड ईयर ऑफ थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ वपुहू ओके जो आपकी स्किन की जो अपियरेंस है जो आपका वो एक चार्म होता है एक ग्लो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है फोर्थ इज मेधा ग्रेस्प करने की पावर इसीलिए जीरो टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो है दैट इज द ब्रह्मचर्य आश्रम आपकी लाइफ का ब्रह्मचर्य आश्रम है बिकॉज आपकी रिटेंटिविटी पावर इज मैक्सिम टल ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड देन उसके बाद जो है ग्रेजुअली उसका डिक्लाइन होता है फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ ट्वक जो आपकी स्किन है उसका टेक्स्चर उसका लस्चर वो जो है ग्रेजुअली कम होने लगता है सिक्स डिकेड ऑफ लाइफ दृष्टि विजन अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में आप देखेंगे चिल्ड्रन आर बींग बॉन्ड विथ आई प्रॉब्लम्स ठीक है तो एज एन एनाटोमिस्ट आपको यह समझना है कि ये क्यों हो रहा है ओके okay? जो बीमारी जिसका रास जो है नेचुरली सिक्स डिकेड ऑफ लाइफ पचास साल की उम्र के बाद होना चाहिए वो आजकल बच्चों में क्यों हो रहा है बिकॉज जो शुक्र और शोणित है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा है दिस इज द एप्लीकेशन दिस इज हाउ यू अप्लाई द स्टडी ऑफ रचना शारीर सो जब हम उसमें जाएंगे वी विल हैव टू गो बैक टू हाउ टू मेंटेन गुड शुक्र हाउ टू मेक गुड शोणित ठीक है तो जब हम धातु की स्टडी करेंगे उसमें जो है फर्दर आपका पूरा लाइफ स्टाइल आ जाता है कि इनकी प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे होती है उत्तर उत्तर धातु की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हेल्दी कैसे होनी चाहिए तो उस पर यह पूरा डिपेंड करता है बट इफ यू नो दिस चार्ट चार्टो यू विल नो की एक व्यक्ति जो है नेचुरली उसमें नेचुरल एजिंग हो रही है या फिर उसकी एजिंग जो है प्रीमेच्योर हो रही है यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देन सेवेंथ डिकेड ऑफ लाइफ शुक्र लिबिडो एंड फर्टिलिटी विल डिक्रीज बाय द सेवेंथ ऑफ लाइफ

सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट नेक्स्ट टेंथ डिकेड ऑफ लाइफ कर्मेंद्रिय मतलब कर्मेंद्रिया हमारी कौन सी होती है पांच कर्मेंद्रियाज होती है कौन कौन सी वाक पाद पानी उप ठीक है ये पांच कर्मेंद्रियाज उनका ह्रास होता है टेंथ डिकेड में देन अगर आप 100 क्रॉस कर जाए तो इलेवेंथ डिकेड में यू लूज योर माइंड ठीक है चित्त जो है उसका ह्रास होता है एंड ट्वेल्थ डिकेड तक जीवितम मतलब आपकी जीवन जो है वो इट्स ऑलमोस्ट टूवर्ड्स एंड बाय ट्वेल्थ ऑफ लाइफ सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमारे एक मनुष्य का जो जीवन है वो अराउंड वन ट्वेंटी का बताया हुआ है ठीक है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी ह्यूमन